हलाल सर्टिफिकेशन संस्था का मामला है। आपको बता दें कि संस्था संचालकों की जुटाई गई जानकारी, ये बड़ी अपडेट। कंपनियों के संचालकों से जल्द पूछताछ शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि एसटीएफ पूछताछ की जाएगी करेगी। एसटीएफ ने संस्थाओं कई कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई है। उसे खबर है जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन संस्था का मामला सामने आया। संस्था संचालकों की जुटाई गई जानकारी, एसटीएफ अब इस मामले में पूछताछ करेगी, संचालकों से जल्द पूछताछ शुरू करेगी। एसटीएफ ने संस्थाओं कई कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई है। संस्था संचालकों की जानकारी जुटाई गई है, ये बड़ी अपडेट। एसटीएफ ने संस्थाओं कई कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई है, अब जिनसे पूछताछ की जाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन संस्था से जुड़ा बड़ा मामला है। अब आपको बता दें कि पूछताछ की जाएगी। संदीप खैर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल प्रियवत, हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसमें एक पहली एफआईआर जो है वो 17 नवंबर को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके अगले दिन योगी सरकार ने इन प्रोडक्ट को बैन कर दिया था, जिसके बाद खाद्य आयुक्त की तमाम टीमों ने मॉल में पहुंचकर मार्केट में पहुंचकर ऐसे प्रोडक्ट्स को बंद करा दिया था। ये कहा गया था कि इसकी बिक्री नहीं की गई है। अब देखिए इसकी जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी गई थी और एसटीएफ अब उन संस्थाओं पर कार्रवाई करने जा रही है जो हलाल सर्टिफिकेशन यानी हलाल सर्टिफिकेट देती थी। उनसे ये पूछा जाएगा कि आप लोग हलाल सर्टिफिकेट जो है वो किस आधार पर देते थे, क्योंकि ये देखा गया वो चाहे मीट उत्पाद हो या फिर खाद्य उत्पाद हो, उन पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। इन संस्थाओं से ये पूछा जाएगा इस सर्टिफिकेट को देने के लिए क्या आपको मंत्रालय गृह विभाग से किसी तरीके की परमिशन मिली थी या आपको इसके लिए कोई परमिशन लेनी चाहिए थी, और उसी के साथ साथ इसकी रेन्यूअल फीस कितनी है, इस सर्टिफिकेट को देते समय आप लोग किन चीजों का ध्यान रखते हैं या फिर कहां पर इस सर्टिफिकेट को नहीं दिया जाता है, इस सर्टिफिकेट को देते समय किस तरीके की आप लोग शर्तों को मानते हैं, या आपके जो भी कर्मचारी होते हैं क्या वो वहां पर जाकर देखते हैं कि किस तरीके की प्रोडक्ट की बिक्री की जा रही है, या फिर उसको सर्टिफिकेट दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाना है, और ये देखा जा रहा है कि अगर इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही आती है तो उन संस्थाओं के खिलाफ जो भी हलाल सर्टिफिकेट देती थी जिसमें तमाम कई बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ जो है वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी, अगर बाहर राज्यों में भी भेजकर इस पूरी चीजों का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो लगातार देखिए प्रियवत, ये देखा जा रहा था कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके का जो एक लेबल यानी बारकोड लगाकर उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा था, और इसको लेकर देखिए तमाम लोगों ने ये कहा कि इस पर हलाल सर्टिफिकेट लिखने का मतलब भी क्या है, क्योंकि देखिए एक जो कम्युनिटी है वो ये मानती है कि अगर हम कोई मीट खरीद रहे हैं तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट हम लोग देखते हैं, लेकिन कपड़ों के ऊपर, चाय पत्ती के ऊपर, लिपस्टिक के ऊपर, जो प्रोडक्ट मेकअप के होते हैं उस पर हलाल सर्टिफिकेट देना जो है वो बिल्कुल गैर रूप से मतलब गैर कानूनी है। इसको लेकर तमाम तरीके की देखिए बातें भी सामने आई थी। अब एसटीएफ अपना दायरा बढ़ाने जा रही है और एसटीएफ उन तमाम संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन देने के मामले में नियमों को तोड़ा है या फिर उन्होंने गैर कानूनी रूप से उन संस्थाओं को, उन कंपनियों को, उन दुकानों को हलाल सर्टिफिकेशन दिया था। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।